मुख्यमंत्री मान अज दूजे दिन वे जलंधर च लाउणगे जनता दरबार। सरकार तुहाडे द्वार प्रोग्राम च सुणनगे लोकां दीआं मुश्किलां। कल भी सुने सी लोकां दे मसले। मुख्यमंत्री मान अज जलंधर च करनगे उच्च पदरी मीटिंग। मंत्री विधायक ते सीनियर ऑफिसर मीटिंग च होणगे शामिल। सीएम ने सवेरे 11 बजे बुलाई बैठक। दुआबे दे विकास ते होवेगी चर्चा। सरहदी जिलों के दौरे से निकले गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित का वड्डा बयान। कहा नशा मुक्त पिंडा ते ड्रोन फड़न वाले नु गवर्नर फंड तो मिलेगा इनाम। अज फिरोजपुर जिले का करेंगे दौरा। संसद अज फिर बजट से होगी चर्चा। विरोधी धिरां वालों हंगामे के आसार। विरोधी धिरां केंद्र बजट सूबे नाल पक्षपात दे ला रही इल्जाम। राघव चड्ढा ने राज्यसभा चुकिया महाराजा रणजीत सिंह का मुद्दा। पर सरकार तो कीती मांग। महाराजा रणजीत सिंह का सोने का सिंघासन लिया जावे वापस। इंग्लैंड दे लंदन च पिया है सोने का सिंघासन। सरहदी जिले पठानकोट विखे शक्तियां की पाल जारी। अजे तक नहीं मिलिया कोई सुराग। कल पठानकोट देखे गए सन 7 शक्ति। मोहाली पुलिस ने एक अग्निवीर समेत 3 लुटेरे किए गिरफ्तार। गन पॉइंट से लुटी सी कार। छुट्टी से आया सी अग्निवीर इश्मी। भारत लेके अमेरिका दी अपने नागरिका लई रिवाइज ट्रेवल एडवाइजरी। जम्मू कश्मीर अते मणिपुर की यात्रा तो बचने की दी सलाह। कहा अपराध अतवाद अते नक्सलवाद कारण भारत च रहो सावधान। सत श्रीकाल जी, मैं हाँ सरबजोत कौर, न्यूज 18 पंजाब। हरियाणा देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। बुलेटिन की शुरुआत करांगे, गल करांगे पठानकोट की, सरहदी जिले की। सरहदी जिले पठानकोट च शक्तियां की पाल लगातार पुलिस के वालों की जा रही है। कल ही आशक्ति देखे गए थे। 7 इनां की तादाद जो है दसी गई थी। अजे तक पता इनां शक्तियां का कोई भी सुराग पता नहीं चल पाया है। इलाके च भारी सुरक्षा बल की तैनाती जो है डिप्लॉयमेंट ऑलरेडी की हुई है। कल पठानकोट 7 शक्ति वेखे गए थे। हालांकि पुलिस के वालों उन्होंने स्केचिस भी जारी किए गए ने। पिंड फंगटोली च एक घर तो पानी भी इन्हों शक्तियों के वालों मंगया गया सी। उस औरत का कहना सी कि 7 शक्ति आए सी, 3 घर के बाहर खलोते सी, 4 घर के अंदर आए सी ते पानी उन्होंने वालों मंगया गया सी। सुरक्षा एजेंसियों के वालों अलर्ट जारी किया गया है। पिंड आले दुआले भी चेकिंग जो है सिक्योरिटी एजेंसी वालों लगातार जारी है। सरहदी जिले पठानकोट च शक्ति देखे गए थे। हालांकि हेठले पासे तस्वीर है जो स्केचिस पुलिस के वालों जारी किए गए। उपले पासे कल दी तस्वीर जो कि तमाम जो स्थानक पुलिस मुलाजम ने, तमाम हो जो भी सुरक्षा एजेंसी के मुलाजम ने, उन्होंने वालों तैनाती की गई है। जंगलों जो है इन्हों की पाल शक्तियां की जा रही है। चप्पे चप्पे की तलाशी की जा रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। नेड़े पिंडा की भी चेकिंग जो है वो की जा रही है, क्योंकि आज शक्ति से पिंड फंगतौली देखे गए थे। एक पिंड फंगतौली एक घर के अंदर बड़े थे, एक महिला तो इन्हों के वालों पानी मंगया गया। पिंड आले दुआले की चैकिंग की जा रही है। होर भी तमाम जो आले दुआले के पिंड ने उन्होंने सर्च ऑपरेशन पुलिस का लगातार जारी है। काबिले गौर है कि कुछ दिनों पहला भी 3 शक्ति देखे गए थे। उस वेले भी इन्होंने शक्तियों के वालों एक घर के अंदर वड़ के फार्म हाउस इनफैक्ट अंदर वड़ के खाना खाधा गया। से जो फार्म हाउस का वर्कर से मुलाजम से उसको कहा गया कि उन्होंने बारे किसी तरीके की कोई भी जानकारी किसी नू ना दिती जाए। ते सरहदी इलाका है, इनफिल्ट्रेशन घुसपैठी जो वड्डी तादाद उत्थे होंदी है। नशा तस्करी भी सरहदी खेतरां चों कीती जांदी है। पाकिस्तान दे वलों ही जो नशा है ते हथियार ने वो ड्रोन दे राही भेजे जांदे ने। पर हाले तक इन्हां शक्तियां दा कोई भी थौ पता नहीं है। स्केचिस पुलिस दे वलों जारी किए गए ने, पर तलाशी अभियान पुलिस दे वलों लगातार जारी है ता जो छेती तो छेती इन्हां शक्तियां नू फड़िया जा सके। मेरा मेरे सहयोगी सुखजिंदर फोन लाइन ते मौजूद ने। सुखजिंदर, 48 घंटे तो ज्यादा समा बीत चुका है, की कोई शक्तियां दा थौ पता पुलिस दे हाथ लग पाया? बिल्कुल, मैं दसना चाहवागा कि पिछले कल जो लगातार पुलिस एजेंसिया ने होर उन्होंने वालों लगातार जंगलों के सर्च ऑपरेशन चलाए लिंक रोड ने फिलहाल हजे तक उसके हाथ समझ लगी हुई नहीं दिस रही।
जी जी बहुत बहुत शुक्रिया सुखजिंदर सानू तमाम जानकारी देने ते पुलिस दे वल्लों सर्च ऑपरेशन ते लगातार जारी है पर कोई भी सुराग इन्हां शक्कियां दे बारे पुलिस दे हाथ नहीं लग पाया है पर जो स्थानक पुलिस मुलाजम ने सुरक्षा एजेंसी ने तमाम अलर्ट ते ने ता जो इन्हां शक्कियां दी पाल छेती तो छेती हुण गल करांगे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका दी यूएस ने अपने नागरिकां दे लई रिवाइज ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है जम्मू कश्मीर अते मणिपुर दी यात्रा तो बचन दी सलाह इस ट्रैवल एडवाइजरी दित्ती गई है अपराध अतवाद ते नक्सलवाद कारण भारत च रहो सावधान आ यूएस दे वलों बयान दी एडवाइजरी जारी की गई है भारत पाकिस्तान सरहदी खेतरां च वी ना जाण दी सलाह इस एडवाइजरी दित्ती गई है दस दईए कि बॉर्डर ते 10 किलोमीटर तक यात्रा तो बचो आ यूएस अथॉरिटीज डेवलप ट्रैवल एडवाइजरी जारी की गई है यूएस का कहना है कि नक्सल प्रभावित इलाकों की भी जो यात्रा है वो सिटीजन्स के वालों यूएस सिटीजन्स के वालों ना की जाए जिक्र योग है कि अमेरिका ने अपने नागरिकों के लिए मणिपुर जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान सरहदी खेतरों के दे, देश का जो सेंट्रल हिस्सा है ईस्टर्न हिस्सा है उत्थे ना जाने की सलाह दी है जिते कि अतवाद से नक्सली काफ़ी सरगर्म ने इस विचाले इस जो है एडवाइजरी देखा गया है कि अपराध अतवाद नक्सलवाद के कारण भारत अधिक सावधानी वरती जानी चाहिए है जो कि यूएस सिटीजन भारत में जो है यात्रा करते हैं कुछ खेतर जोखम बढ़ गया है कुल मिला के भारत को लैवल 2 ते रखा गया यानी कि तमाम जो भारत है उसको कई लैवल्स डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू डिफरेंट क्राइम से जो टैररिज्म के अकॉर्डिंगली इस विचाले देश के कई हिस्सों लैवल 4 ते रखा गया है जिस तरह कि जम्मू कश्मीर भारत पाकिस्तान सीमा मणिपुर से सेंट्रल ते ईस्टर्न भारत के कुछ अगे वधांगे ते गल करांगे देश दे बजट दी अज जो है मानसून सैशन का चौथा दिन है ते सदन दे मानसून दे अज चौथे दिन लगातार हंगामा होने आसार ने संसद चार फिर तो बजट ते चर्चा की जाएगी विरोधी धिरां दे वल्लों हंगामे दे पूरे आसार ने कल भी विरोधी धिर ने राज्यसभा चो वॉकआउट कर दिता सी लोकसभा च विरोधी पार्टियां दे वल्लों जबरदस्त हंगामा किया गया विरोधी धिरां केंद्र बजट सूबे नाल पक्षपात दे इल्जाम जो ने वो लगा रही है अज चौथा दिन है बजट पेश किया गया निर्मला सीतारमन के वालों इस विचाले विरोधियों के वालों कल जो राज्यसभा की कार्रवाई लोकसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहला सदन के बाहर उठे पहुंच के जबरदस्त नारेबाजी की गई हंगामा किया गया कहा गया है कि जो तमाम अलायंस पार्टनर्स ने उन्होंने खुश करने की कोशिश जो है वो की गई है बिहार से आंध्र प्रदेश में भी बजट सारा ही लुटा दिता गया है पक्षपाती रवैया जो है एनडीए गवर्नमेंट के वालों अपनाया गया अज लगातार दूजे दिन जलंधर तो चलेगी सरकार जलंधर च अज फिर सीएम भगवंत मान जनता दरबार लगाने मान सरकार तुहाडे द्वार प्रोग्राम का आयोजन किया जाएगा लोगों दी मुश्किलां सीएम भगवंत मान खुद सुनते हुए नजर आएंगे माझे ते दुआबे दे विधायकां ते ऑफिसर्स भी उन्हां दे नाल मौजूद रहेंगे बैठक की जाएगी दस के सारे डिप्टी कमिश्नर्स ते प्रशासनिक ऑफिसर्स भी इस मीटिंग का हिस्सा बनेंगे इस मीटिंग शामिल होंगे कल दी तमाम तस्वीरां जो सीएम भगवंत मान जलंधर पहुंचे तो उठी जनता दरबार इन्होंने वालों लगाया गया कई लोग जो ने दुआबे तो माझे तो उठे पहुंचे तो अपनी समस्या का हल उन्होंने वालों करवाया गया पीएपी विखे सवेरे 11 बजे मीटिंग सदी गई है दस दिए कि कल भी मुख्यमंत्री मान ने जलंधर जनता दरबार लगा के लोगों दुश्किल सुनिया सन उन्होंने तुरंत हल करने लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिते सन मुख्यमंत्री मान ने वादा किया है कि हफ्ते 2 दिन जलंधर तो सरकार चलेगी ਪੱਛਮੀ ਦੀ ਜਦੋਂ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘਰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਅਸੀਂ ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਲਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਇੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਹਾਲਾਂਕਿ 7 ਦਿਨ ਰਹੂਗਾ ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚੋਂ 2 दिन मैं आप हाजिरी लवाऊंगा अज उस जलंधर पछमी की बहुत वड्डी जित तो बाद साडा अज पहला दिन है जो आम लोगों नूं मिलन दा दिन है कल नूं भी है पूरा दिन कल दा लोग किस तरह एक उम्मीदा लैके एक अपने कम्मां नूं जां निजी कम होण भावें उह समाजिक कम होण उहनूं लैके इत्थे पहुंचे ने हर एक नूं अटेंड किया जा रहा वन टू वन अटेंड किया जा रहा जे कोई पुलिस का काम है तो पुलिस नूं नाल दी नाल क्योंकि डिपार्टमेंट सारे बैठे ने मेरे कोल नाल दी नाल ऑर्डर दिते जा रहे हैं
निर्देश दिते जा रहे हैं कि जे कोई होर डिपार्टमेंट के काम ने वो भी हल हो रहे हैं। अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने बहुत चंगा खुद न लग रहा है। देखो मैं उतों एक्स काउंसलर हाँ रामा मंडी साइड को जो मेरा एरिया और उस संबंध में अपने जो पब्लिक आ उत्थे दी उन्होंने जिहड़ियां मुढ़लियां समस्यावां आ उन्होंने लेके आया से, खास करके कारपोरेशन रिलेटिड सी, कोई सीवरेज की गंदे पानी की पीने वाले की सड़कों की और एक जी सब तो वड्डी गल सी बिजली डिपार्टमेंट बिजली बोर्ड के नाल सी कि साडे जे कई महल्ले ने उत्थे लाइट बहुत वोल्टेज बहुत घट आउंदी आ जां रात नूं लाइट चली जांदी आ ठीक नहीं हो पा रही, वो सारिया समस्यावां लैके आए से और सीएम साहब ने नाल डीसी साहब से बड़े ध्यान नाल गल उन्होंने सुनी है, रिटन च असी सारी एप्लीकेशन दिती है और उन्होंने यकीन दवाया कि बहुत थोड़े दिनों के मैं चीफ जो बिजली बोर्ड ने उन्होंने और कमिश्नर साहब कारपोरेशन भी नाल से इन्हों का हल असी जल्दी करवा दें। कोविड वाले तुम्हें पता होगा अज तक पक्के नहीं किया गया, तो मान लो जो असी घर घर वोटा मंगन जाने तो असं उन्होंने विश्वास भी दवाने जी जरूर थोड़ा काम होगा, तो उन्होंने साढ़े ना दो चार दिन पहला गल की तो असी अपनी वो पूरी टीम नू लैके सीएम साहब नू अज मिलाउन वास्ते आए थे। सीएम साहब ने उन्होंने गल भी सुनी है तो उन्होंने बहुत अच्छा अगे सुझाव भी दिता, तो उन्होंने ये भी गल कही है जी असी कल ही फाइलें साइन की आ तो एक थोड़ा टैसट होगा तो उन्हें क्लीयर करना तो असी अगे जो प्रोसैस हो। अगे वधंग ते गल करांगे गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित दी जिन्हां दे वल्लों सरहदी पिंडां दा दौरा लगातार जारी है। अज फिरोजपुर दे सरहदी पिंडां दा दौरा करनगे बनवारी लाल पुरोहित, पठानकोट ते अमृतसर दे सरहदी पिंडां दा ऑलरेडी ओ दौरा कर चुके ने। गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित दा 6 सरहदी जिले दे लई इक वड्डा ऐलान उन्हां दे वल्लों कीता गया ते ड्रोन फड़न वाले नूं 1 लाख दा इनाम जो है ओ दित्ता जाएगा। कहंदे नजर आए ड्रग मुक्त होण वाले पिंडां नूं इनाम दित्ता जाएगा, पिंडां नूं कैटेगरी वाइज जो है ओ इनाम दित्ता जाएगा। 3 लाख 2 लाख ते 1 लाख दा इनाम जो है देण दा ऐलान गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित दे वल्लों कीता गया। उन्होंने कहा कि गवर्नर फंड जो आज राशि है दित्ती जाएगी। सरहदी जिले दा दौरा कर रहे ने गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित। आज मैंने एक और सजेशन दिया इनको कि इन सबकी जो स्ट्रेंथ है, फॉर एग्जाम्पल इट इज 4000, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर साल में 1 मीटिंग होना जरूरी है, सब असेंबल होंगे, जागृति होगी और उसमें आई हैव रिक्वेस्टेड ऑल द सेंट्रल एजेंसीज ऑफिसर्स, सीनियर ऑफिसर्स और ये ऑफिसर्स ये भी प्रेजेंट रहे, उससे मोटिवेशन मिलता है। इज माई एक्सपीरियंस, पब्लिक लाइफ मेरी गई है 50 साल की, उससे यदि ये होगा तो मोटिवेट होंगे, मोटिवेट होके लोगों तक पहुँचे। गवर्नमेंट एजेंसीज इतना काम कर रही हैं, काफ़ी ड्रोन तो इंसेंटिव भी दिए हैं, ड्रोन यदि कोई गिरा हुआ उसको पकड़ के लाएंगे 1 लाख का उसको प्राइज दे रहे हैं, हमने हमारे गवर्नर फंड से हमने दिया है हर जिले में, जो गांव बेस्ट करेगा फर्स्ट प्राइज 3 लाख, सेकंड प्राइज 2 लाख, थर्ड प्राइज 1 लाख, 6 लाख मतलब 6 जिले के 36 लाख गवर्नर फंड से प्राइजेस एक भेज दिया, अभी सेकंड भी आफ्टर 15 जनवरी में देते हैं, चली जाएगी। और आज एक हमने डिक्लेयर किया फ्रॉम माय गवर्नमेंट फंड द सेम 3 लाख 2 लाख 1 लाख, जो नशा मुक्त गांव होगा उसको 1 प्राइज ये और मिलेगी, नशा मुक्त बिल्कुल, जो गांव फ्री हो गया नशा मुक्त, फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 प्राइज एक एक जिले में हमने आज। हुण गल करांगे नवांशहर दी। नवांशहर दे घर च मातम पसरा होया है, 10 इक परिवार दे 3 जिया दे वल्लों खुदकुशी की गई, पति पत्नी अते 15 साला बेटी दी मौत हो चुकी है। 10 घर च इकली रह गई है 12 साल दी बच्ची। घरेलू कलेश से करके आ पूरा कौकना कदम चुकया गया, पहला महिला ने 15 साल दी बेटी नाल जहर निकलिया, फिर हस्पताल इलाज दौरान दोहा ने दम तोड़ दिता, बाद च महिला दे पति ने भी जहर खा के अपनी जीवन लीला समाप्त कर दिती। नवांशहर दे पिंड मलपुर अड़का दा पूरा मामला दस्या जा रहा। दरअसल घटना दौरान परिवार दी सब तों छोटी कुड़ी स्कूल गई। हुण गल मानसा दी। मानसा च चाह दी दुकान तों सिलेंडर चोरी हो गया है, बाइक सवार 2 चोर सिलेंडर लेके रफू चक्कर होके फरार हो गए।
दुकान तो महज कुछ दूरी से ही सिटी पुलिस स्टेशन दे कोल अपूरी घटना वापरी है। चोरी की घटना सीसीटीवी इनफैक्ट जो कैद हो गई है, मौके सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। बाइक सवार दो चोरों ने इस पूरी घटना को अंजाम दिता। देखा जा सकता है कि बाइक सवार जो लुटेरे ने वो बाइक से नजर आ रहे हैं। हालांकि जो लुटेरा है पिछे बैठा होता है, उतरता है ते चार दुकान तो सिलेंडर जो है चोरी करके वो पिछे पैंदा है ते बह के दूसरे लुटेरे नाल उतों मौके तो फरार हो जाता है। तस्वीर ने मानसा दिया जिथे की दो बाइक सवार लुटेरिया के वालों इस पूरी जो वारदात को अंजाम दिता गया। चिट्टे दिन इस पूरी घटना अंजाम दिता गया है। चार दुकान तो सिलेंडर लेके रफू चक्कर